सिर्फ सपना लेके निकली थी कि सब कुछ जाते ही मुझे काम मिल जाएगा और फिर मैं आई विल बी हीरोइन और इस तरह के सपने लेके लोग घर यहाँ से आते हैं। तो मैं भी ऐसे ही आई थी, लेकिन मैं वहाँ पे किसी को जानती नहीं थी। जब मैं आई थी ना, तो मेरे पापा मम्मी भाई बहन एवरीबडी केम विद मी। मैं घर से तैयार होकर निकलती थी, हेयर वेयर करके निकलती थी, लोकल ट्रेन, फिर उसके अंदर बस पकड़ती थी, बस पकड़ के फिर मैं जगह पे पहुँचती थी। वहाँ पे भी इतना वेटिंग होता था, लाइन में लगना पड़ता था फॉर एन ऑडिशन। तो जब तक कैमरे के सामने पहुँचते थे, आपकी हालत ऐसी, पूरा मेकअप उतर गया, बाल बिखर गए, पसीने से हालत ख़राब हो गई। उस टाइम में बीच में एक टाइम ऐसा भी आया था कि मैं एक छोटा वाला मैगी होता था वो लेकर आती थी, आधा मैगी अभी रात को खाया, आधा कल सुबह खाया। ऐसा भी मैंने किया। एंड मेरे पास मेकअप नहीं होता था प्रॉपर, तो मुझे याद है कि मैंने गरम मसाला होता ना उसका कटिंग करती। फैमिली हमेशा मेरी सपोर्टिव थी, मेरी मॉम तो मैं बोल रही हूँ आपको मेरे साथ आके यहाँ पे रही थी। जब उनको लगा कि नाउ आई कैन हैंडल, तब वो धीरे धीरे जाने लग गई क्योंकि दो बच्चे और हैं वहाँ पर। तो इसलिए, लेकिन आती रहती थी। एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, तो वहाँ पर उन्होंने मेरे सामने एक कॉन्ट्रैक्ट था, मेरे हाथ में पेन था, मैं चाहती तो वो फिल्म मैं साइन कर सकती, इट्स अ वेरी बिग फिल्म, तो मैं साइन कर सकती थी। लेकिन उन्होंने जो मुझसे कहा कास्टिंग डायरेक्टर ने, तो उसके बाद में मुझे 3 दिन तक बुखार ही नहीं उतरा। आई वाज लाइक सर मैं नहीं कर पाऊंगी, सॉरी। लेकिन वाज लाइक ओके, तुम जाओगी बाहर, जो लड़कियां बैठी हैं वो आके साइन कर देंगी। तो मैं उनसे करा ली थी। आप हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई टाइम्स। आई एम विजया तिवारी एंड टुडे आई हैव विथ मी चारू असोपा। एंड हम सब जानते हैं कि मेरे अंगने में देवों के देव महादेव या फिर ये रिश्ता, शी हैज प्रूव्ड हर एक्टिंग मेटल। सो वेलकम टू ई टाइम्स। थैंक यू सो मच। एंड आपने अब इतना काम कर लिया है, अलग अलग कैरेक्टर्स कर लिए हैं, बट इफ आई टेक यू बैक टू योर जर्नी, फ्रॉम वेयर डिड यू स्टार्ट, व्हेन वाज द टाइम यू फेल्ट आई कैन बी एन एक्टर एंड आई हैव दैट एक्टिंग का कीड़ा इन मी? सो व्हेन आई बिकेम मिस राजस्थान, उसके बाद में थोड़े टाइम तो बस मिस राजस्थान का कर लेके मैं वापस घर आ गई थी। एंड आई स्टार्टेड स्टार्टिंग, बाकी सारा मेरा घर का रेगुलर लाइफ स्टार्ट कर दी थी। एंड देन सडन वन फाइन डे आई वॉज वॉचिंग टीवी, और टीवी में कसम से एक शो आता था उस टाइम पर, तो शो में देख रही थी प्राची देसाई, प्राची देसाई वाला। तो वहाँ मैंने देखा कि जो रनर अप थी ना वो दिखाई दे रही थी। एंड दैट डे आई डिसाइडेड नहीं, मुझे भी करना है, आई वांट टू डू एक्टिंग। तो आई टोल्ड माय फादर, तो ही इज लाइक ठीक है आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करो एंड देन गो डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। तो मैं इंजीनियरिंग कर रही थी, और मैंने इंजीनियरिंग छोड़ दिया क्योंकि उसमें 4 साल लगते। आई डिड बीकॉम, साइंस की स्टूडेंट, और मैंने सडनली साइंस छोड़ के बीकॉम किया। जो मार्क्स थे वो स्टैट्स में कवर करती थी या मैथ्स वगैरह में कवर कर लेती थी। और उसके बाद में लास्ट एग्जाम वाले दिन आई टोल्ड माय फादर कि मैं एग्जाम देने तभी जाऊंगी कि आप मुझे मुंबई का टिकट ला के दोगे। एंड देन ही गॉट मी द टिकट्स, एंड रिजल्ट का भी वेट नहीं किया। सो एग्जाम दे के नेक्स्ट डे हम लोग निकल गए थे। एंड दिस वाज व्हिच ईयर? 2010। सो चारू, टेल मी मेकिंग दिस डिसीजन टू कम टू मुंबई, जो मुंबई कहते हैं सिटी ऑफ ड्रीम्स है, एंड यहाँ पे रहना खाना बहुत मुश्किल है, सब आगे जाके भाव पता चल जाते हैं। सो टू मेक दैट डिसीजन कि नहीं मैं वहाँ पे जाके काम करूंगी, एंड यू डोंट नो एनीबॉडी, यू डोंट हैव अ गॉडफादर, तो फेस कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए? बहुत चैलेंजिंग रहा, क्योंकि जब मैं वहाँ से निकली थी तो एक सिर्फ सपना लेके निकली थी कि सब कुछ जाते ही मुझे काम मिल जाएगा और फिर मैं आई विल बी हीरोइन और इस तरह के सपने लेके लोग घर यहाँ से आते हैं। तो मैं भी ऐसे ही आई थी, लेकिन मैं वहाँ पे किसी को जानती नहीं थी। जब मैं आई थी ना, तो मेरे पापा मम्मी भाई बहन एवरीबडी केम विद मी, सब छोड़ने आए थे मुझे। तो मैंने यहाँ पर आई, मैंने घर खरीदा, घर लिया, रेंट पे रहने लगी वहाँ पर। तो मुझे सेटल करके देन पापा एंड माई ब्रदर सिस्टर दे वेंट टू द बीकानेर, एंड देन माई मॉम स्टेड विद मी। तो मम्मा मेरे साथ ऑडिशंस पे जाया करती थी, मेरे साथ मीटिंग्स पे जाया करती थी, क्योंकि इतना सब सुना हुआ था बच्ची को अकेला नहीं छोड़ना है। लेकिन हम किसी को जानते नहीं थे यहाँ पे। तो मेरी मम्मी ने बोला कि चलो हम एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करते हैं, तो शायद थोड़े कॉन्टैक्ट्स बन जाएंगे, उससे पता चल जाएगा कहाँ से कैसे शुरुआत करनी है। किशोर नमित कपूर एक्टिंग स्कूल मैंने ज्वाइन किया था। तो मम्मा मुझे पहले छोड़ने जाती थी, फिर वो 7-8 घंटे का मेरा क्लास होता था, उसके बाद में वापस मुझे लेने आती थी। तो हमारा ये 3 महीने का ही चला। 3 महीने मैंने वहीं से किशोर नमित कपूर से मैंने ऑडिशन किया था ये रिश्ता क्या कहलाता है के लिए, एंड देन आई गॉट द रोल। और ये कुछ 6-7 महीने का कैमियो था,
मतलब प्यार में तो खैर एक दो महीने का था, पर एक्सटेंड होते होते क्योंकि वो ट्रैक इतना लोगों को पसंद आने लगा तो वो 6-7 महीने चला, और ये खत्म होते होते मुझे महादेव मिल गया था. देन महादेव स्टार्टेड एंड तो जब महादेव मैंने स्टार्ट किया था ना, तो जब उसका वो क्या जो शूट करते हैं स्टार्टिंग में जो शूट करके चैनल को अप्रूवल के लिए पायलट शूट किया था, सॉरी, तो पायलट ना ऐसा शूट खतरनाक शूट हुआ था उसका कि हम लोग 2-2 दिन तक कंटिन्यू शूट करते थे. ओह माय गॉड, मतलब पैकअप ही नहीं हो रहा है. अब मेरे लिए इतना शॉकिंग था, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, ये पैकअप ही नहीं हो रहा है. मैं सेट पे रोने लगा, रोते रोते डायरेक्टर को बोलती थी, हमारे प्रोड्यूसर को बोलती थी, मुझे नहीं करना, मुझे घर जाना है. और क्योंकि बारिश होती रहती थी, हमारे लहंगे इतने इतने कीचड़ में भीगे रहते थे, इट वॉज सो डिफिकल्ट. फिर पायलट खत्म हुआ, उसके मैंने कहा मैं ये शो नहीं करूँगी, और मैंने किसी का फ़ोन नहीं उठाया. देन वन फाइन डे माय प्रोड्यूसर कॉल मी कि रोल बहुत अच्छा है और तुम्हें करना चाहिए. पायलट में जितने लोगों ने किया था उसमें से खाली मैं और मौनी 2 ही लोग सेलेक्ट हुए थे, बाकी सब लोग रिप्लेस हो गए थे. सो या समहाउ मेरे को लगा काम तो करना ही है, यहाँ पर रहना है, तो फिर मैंने ले लिया. लेकिन वो शो मुझे हमेशा याद रहेगा, महादेव की जो हमने स्टार्टिंग जो 7-8 महीने हमने शूट किया था. ओह गॉड, मतलब व्हाट फ्रेंडशिप, मैं और मौनी आज भी फ्रेंड्स हैं. वाओ, हाउ स्वीट. आर यू इन टच विद मोहित आल्सो? मोहित, हाँ हाँ, समहाउ अभी कभी इतना कभी बात नहीं होती, बट मिलते हैं तो यू नो वी एक्सचेंज ग्रीटिंग्स. या सो वी हैव अ वेरी गुड टाइम. So, as I was saying, when you don't have a godfather in the industry, it gets very difficult to, you know, make a mark or get bag a project. So, how was the initial phase? Kitni rejections ka samna karna pada? Kaafi. Sabse pehle to yahan pe, aap har roz aapko audition pe jana padta hai. You have to look good. तो जब मैं मलाड ईस्ट में रहती थी, उसके महादेव करने के बाद तो मैं लोखंडवाला में शिफ्ट हो गई थी, लेकिन उसके पहले मैं मलाड ईस्ट में रहती थी. जब तक मैं ऑडिशन के लिए पहुंचती थी, मेरी हालत इतनी ख़राब हो जाती थी, क्योंकि मैं घर से तैयार होकर निकलती थी, हेयर वेयर करके निकलती थी, लोकल ट्रेन्स, फिर उसके बाद मैं बस पकड़ती थी, बस पकड़ के फिर मैं जगह पर पहुँचती थी, फिर वहाँ पर भी इतना वेटिंग होता था, यू नो, लाइन में लगना पड़ता था फॉर एन ऑडिशन. तो जब तक ऑडिशन, जब तक कैमरे के सामने पहुँचे थे, आपकी हालत ऐसी, पूरा मेकअप उतर गया, बाल बिखर गए, पसीने से हालत खराब हो गई. तो यू नो, कितने ऑडिशंस दिए होंगे? बहुत, मतलब मैं घर से निकलती थी बैग भर के, उसमें 3-4 तरह के कपड़े शूज डाल के, फिर शाम को 6-7 बजे वापस घर आती थी. आई यूज्ड टू वॉक इन ऑडिशंस देती थी. एंड ये कितने टाइम तक चला ये पीरियड? जब कोई शो चल रहा था, जब शो खत्म होता मैं वापस जीरो पे आ जाती, फिर मैं ऑडिशंस स्टार्ट कर देती थी. नहीं, लेकिन फर्स्ट रोल बैक करने के लिए आपने कितने ऑडिशंस दिए? फर्स्ट रोल तो मुझे इनिशियली मिल गया था 3 महीने बाद मिल गया था, किशोर अमित कपूर से मिल गया था. तो वो किया, उसके मेरा बीच में ब्रेक आया था, जब अगले जन्म हुई बिटिया की जो करने से पहले 1 साल का गैप आया था. दैट वाज डिफिकल्ट. एंड हाउ डिड यू मैनेज दैट फेज? सो उस टाइम में बीच में एक टाइम ऐसा भी आया था कि मैं, यू नो, एक छोटा वाला मैगी होता था वो लेकर आती थी, आधा मैगी अभी रात को खाया, आधा कल सुबह खाया. ऐसा भी मैंने किया. एंड यू नो, मेरे पास मेकअप नहीं होता था प्रॉपर, तो मुझे याद है कि मैंने गरम मसाला होता ना उसका कटिंग करती. Are you serious? गरम मसाले को लगा के कंटूरिंग जो करते कंटूरिंग, हाँ, वो फेस पे थोड़ा अलग लगता था, बट वो कलर थोड़ा थोड़ा वैसा ही आता था, तो उसको मर्ज करके किसी तरह मैनेज कर लेती थी. सो ये भी आपने दिन देखे हैं. सो वो 1 साल, यू नो, फिर सेल्फ डाउट नहीं होता है उस समय चारू, दैट एम आई मेड फॉर दिस इंडस्ट्री? व्हेन यू रियली वांट टू डू समथिंग ना, मेरे साथ ऐसा होता कि हर दिन लगता था आज नहीं हुआ कल पक्का कुछ हो जाएगा, कल कुछ हो जाएगा. तो कभी भी गिव अप नहीं किया मैंने, यू नो. मैं वो जो प्रोसेस था ना रोज ऑडिशन पे जाने का प्रोसेस, उसको भी मैं बहुत इन्जॉय करती थी. उस टाइम पे लोग बोलते थे कि यू नो चल रात को सारे फ्रेंड्स मिलके पार्टी करने जाते थे, लेकिन मैं नहीं जाती थी. मुझे बोलते थे तू तो बुढ़ी हो गई है, तेरा एज हो गया है, बट मुझे, मेरा फोकस था, मुझे पता था मुझे क्या करना है, मैं क्यों इस शहर में हूँ, यू नो. तो मैं रात को टाइम पे सोना, सुबह जल्दी उठना, वो मेरा था कि अगर मैं रात को सोऊंगी तो मैं अच्छी नहीं दिखूंगी, कल ऑडिशन है मेरा. राइट. सो दैट वाज ऑलवेज देयर इन माय माइंड. सो जैसे आपने बोला वो 1 साल काम नहीं था, हाउ डिड यू मैनेज योर एक्सपेंसेस? बिकॉज यू नो मुंबई शहर ऐसी है जहाँ पे हर चीज बहुत एक्सपेंसिव है, और ऊपर से अगर आप एक्टर बन रहा, हाउ डिड यू मैनेज योर एक्सपेंसेस? सो छोटा मोटा कुछ कहीं पे 1 दिन का रोल आया, वो 2 दिन का रोल आया, जहाँ पे आप रिकॉग्नाइज नहीं होते हो, तो वो मैं करते रहती थी. ऐसे में घर पे नहीं बैठती थी, बट आई वाजंट हैप्पी, यू नो. सो जैसे हम अभी बात कर रहे थे रिजेक्शन फेज की, तो ये जो मैगी और वो कॉन्ट्यूरिंग वगैरह था, वो कितने टाइम तक चला ऐसा? ऐसे थोड़ा, यू नो,
कभी कभी ऐसे कर लेती थी यू नो, बीच में कई बार ऐसे करती थी मैं कि कंटोर, वो हमारे पास वो कंटोरिंग वाला बेस नहीं है तो चलो ये कर लिया, अभी खरीदने के पैसे नहीं है सो वेट करो अभी, जब काम आएगा तब खरीदेंगे। फैमिली कितनी सपोर्टिव थी यू नो टू लेट यू गो एंड मेक योर करियर इन एन इंडस्ट्री वेयर यू डोंट हैव एनीबॉडी? फैमिली हमेशा मेरी सपोर्टिव थी, मेरी मॉम तो मैं बोल रही हूँ आपको मेरे साथ आके यहाँ पे रही थी, जब उनको लगा कि नाउ आई कैन हैंडल तब वो धीरे धीरे जाने लग गई क्योंकि दो बच्चे और हैं वहाँ पर तो इसलिए, लेकिन आती रहती थी। यू नो इंडस्ट्री में बहुत तरीके के लोग हैं और हर जगह होते हैं, यू नो हैज़ देयर बीन एनी मोमेंट यू नो चारू व्हेन यू हैड टू फेस इनडिसेंट प्रपोजल्स फ्रॉम पीपल? यू नो कास्टिंग काउच की बात कर रही हूँ क्योंकि जब आप शुरुआत, अब तो फिर भी चीज़ें बहुत ट्रांसपेरेंट हो गई हैं इंडस्ट्री में, लेकिन जब आपने शुरुआत की थी उस समय क्या ऐसे लोग मिले जिन्होंने गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश की? यस यस ऑफ कोर्स। सो जब मैं यहाँ पर आई थी ना, मैं बहुत छोटी थी, छोटी मतलब 20-21 साल की थी, और जब आप स्मॉल टाउन से आते हो तो 20-21 साल मतलब बहुत नाइव, बहुत नाइव। और यहाँ के बच्चे तो बहुत स्मार्ट होते हैं, 10 साल 12 साल में तो वो इतने स्मार्ट हो जाते हैं कि क्या बताऊँ मैं आपको। लेकिन आई वॉज वेरी नाइव, वेरी इनोसेंट। तो जब मैं आई, मुझे एक मीटिंग, मूवी मीटिंग के लिए मैं गई थी, और वहाँ मैं जाके एक प्रोड्यूसर से मिली, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, ही इज़ अ वेरी नोन प्रोड्यूसर। तो उसके बाद में उनके जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने, मैं ये जब बात कर रही हूँ, ये एक बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस की बात कर रही हूँ, ओके, दिस इज़ अ रेवलेशन काइंड ऑफ, हाँ, एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है। तो वहाँ पे उन्होंने, मेरे सामने एक कॉन्ट्रैक्ट था, मेरे हाथ में पेन था, मैं चाहती तो यू नो वो फिल्म मैं साइन कर सकती, इट वॉज अ वेरी बिग फिल्म, तो वो मैं साइन कर सकती थी, लेकिन उन्होंने जो मुझसे कहा कास्टिंग डायरेक्टर ने, तो उसके बाद में मुझे 3 दिन तक बुखार ही नहीं उतरा। आई वाज लाइक सर मैं नहीं कर पाऊंगी, सॉरी। लेकिन वाज लाइक ओके तुम जाओगी, बाहर जो लड़कियां बैठी हैं वो आके साइन कर देंगी, तो मैं उनसे करा ली थी। आप ओके, सो व्हाट प्रपोजल डिड दे गिव यू? वही कास्टिंग काउच का जो प्रपोजल था, यू नो फॉर फ्यू पीपल। ओह ओके, एंड यू टर्न स्ट्रेट डाउन? या बट इट वॉज वेरी हार्ड ब्रेकिंग फॉर मी, क्योंकि मेरे को लगता था कि लोग ऐसा बात करते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। मेरे को ऐसा लगता था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि लोग ऐसा इसलिए बोलते क्योंकि वो खुद कुछ नहीं कर पाते, अंगूर खट्टे हैं। लेकिन जब पहली बार मेरे सामने ये बात आई तो मुझे लगा कि इतने बड़े लेवल पे भी ऐसी बातें होती हैं। तो वो उस चीज से निकलने में कितना टाइम? उसके पहले मैं मूवीज के लिए ट्राई करना चाहती थी, ये उसी एक साल के ब्रेक की बात है। तो तब मैंने सोचा था कि मैं मूवीज करूंगी या मैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करूंगी। आफ्टर दैट थिंग आई स्टार्टेड डूइंग टीवी, सो मेन रीजन। सो उसके डायरेक्ट आई थिंक 2-3 दिन के बाद ही मैंने अगले जन्म मोहे बिटिया की जो स्टार्ट कर दिया था। बट वो उसके बाद एक फियर बैठ गया कि मतलब मैं जाऊंगी तो शायद ये मेरे साथ वापस हो सकता है। मूवी की मीटिंग्स करना ही बंद कर दिया, कोई मूवी का नाम लेता तो मुझे नहीं करना। So it was that impactful on your life. Yeah. और उसके बाद आपने movies try नहीं किया, but कभी TV में ऐसा कुछ सामना करना पड़ा? हाँ, TV is very safe. I mean, अब मैंने तो, मेरे साथ तो यही हुआ है, audition दो, selection हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, that's it. So luckily TV में आपने ऐसा कुछ सामना नहीं किया, but वो fear अभी भी है, वो डर लगता है नए लोगों से मिलने के time पे या? वो हाँ, वो डर है मेरे पास साथ, मतलब वो जो मेरा एक कॉन्फिडेंस था ना लोगों के यू नो बेबाकी से जाके लोगों से मिलने का, वो कॉन्फिडेंस थोड़ा वीक हो गया है। मैं बहुत सिलेक्टिव लोगों से मिलती हूँ, बहुत सिलेक्टिव लोगों से फ्रेंडशिप करती हूँ, बहुत सिलेक्टिव लोगों के साथ कंफर्टेबल होती हूँ। एंड यू नो हमारी इंडस्ट्री में एक ऐसा यू नो नोशन हो जाता है टीवी इंडस्ट्री में कि आपने अगर एक कैरेक्टर आपका बहुत पॉपुलर हो गया तो टाइपकास्ट कर देते हैं लोग, उससे बचने के लिए आपने कभी कुछ अपनी तरफ से कॉन्शियस डिसीजंस लिए कि मैं अलग रोल्स करूँगी अपनी नहीं, तरफ से? मेरे साथ ये हुआ था कि मेरे आंगने में नो डाउट इट वॉज एन अमेजिंग शो, उस शो ने मुझे बहुत कुछ दिया है एंड आई एम रियली थैंकफुल टू स्फेयर ओरिजिन एंड मेरे आंगने में कि मैं यू नो इतना वो मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था मेरे आंगने में। बट देन उसमें जो मैंने एक उसमें एक लड़की की जर्नी दिखाई जहाँ पे वो एक हकलाने वाली लड़की होती है, वहाँ से वो सुपर नेगेटिव हो जाती है, मतलब इतनी लाइफ में नेगेटिव हो जाती है कि उसके माँ बाप भी उसके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। तो वो जो नेगेटिव लास्ट करते करते जब लास्ट में नेगेटिव हो गया था ना, वो मेरी लाइफ में इतना इम्पैक्ट डाल रहा था कि मुझे नेगेटिव कैरेक्टर करने में अब टीवी में स्पेशली मुझे डर लगता है क्योंकि वो मेरे को लगता है मेरे को डिप्रेशन हो जाएगा, इतना नेगेटिव था वो।
तो सो ये जो कहते हैं कि काफी बार आप डार्क कैरेक्टर्स करते हो तो इट प्लेज ऑन योर साइकी, वो आपके साथ हुआ था? ऑफ कोर्स एंड हाउ डिड यू ब्रेक फ्रॉम इट? सो उसके बाद ये होता था कि यू नो मुझे ऐसा लगता था कि वो जैसा बाहर जैसा मैं प्ले करके आती हूँ ना, मेरा माइंड वैसे नेगेटिव हो जाता है और फिर मुझे अपने आप को खुश करने के लिए ना अच्छा म्यूज़िक सुनती थी, अच्छा यू नो अकेले वॉक पे जाती थी, ये सब करती थी, लेकिन इम्पैक्ट होता है उस टाइम पे। जब भी आप अकेले रहोगे तो फिर आपके दिमाग में सब प्ले करने लगता है। एंड आपने अभी हम जैसे डिस्कस कर रहे थे रिप्लेसमेंट्स भी हुए लास्ट मिनट बहुत, ये कब हुआ? सो एक शो था सपने सुहाने लड़कपन के, सो वो शो उसका ऑडिशन दिया, सिलेक्ट हो गई, तो मैं और देयर वाज दिस अदर गर्ल महिमा सो हम दोनों वर्कशॉप्स पे जाते थे और साथ में हमने वर्कशॉप्स किए हैं। अब नाउ लास्ट था कि हम लोग को शूट पे जाना है, प्रोमो शूट है, बैग्स वर पैक, हम लोगों को लखनऊ नहीं बनारस जाना था शूट करने के लिए। और रात को मुझे कॉल आता है दैट आपका नहीं हुआ क्योंकि देयर वाज दिस अदर गर्ल रूपल उनका सिलेक्शन हो गया है। एंड देन आई आस्क्ड द कास्टिंग डायरेक्टर कि ऐसे कैसे लास्ट मोमेंट मुझे रिप्लेस कर सकते हैं, अभी तो सब यू नो एवरीथिंग वाज प्लान्ड, ऐसे लास्ट मोमेंट कैसे मुझे रिप्लेस कर सकते हैं। देयर तो ही टोल्ड मी कि वो जी की फेवरेट है। तो आई वाज लाइक ऐसा भी होता है क्या? सो हाउ हार्टब्रेकिंग इट वाज, इट वाज वेरी हार्टब्रेकिंग। मैंने घर में किसी को नहीं बताया था बिकॉज मैं सबको सरप्राइज करना चाहती थी कि मैं लीड कर रही हूँ। सो मैंने किसी को भी नहीं बताया था, मैं वर्कशॉप्स पे जाती थी, सबको बोलती थी ऑडिशन पे जा रही हूँ क्योंकि मैं सबको सरप्राइज देना चाहती थी कि मुझे डायरेक्ट मुझे स्क्रीन पे देखेंगे तो हाउ हैप्पी दे विल बी। सो या इट वाज वेरी हार्ट ब्रेकिंग, देन आई क्राइड फॉर नाइट्स, मतलब वैसे रात को रोती थी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है वगैरह वगैरह। तो फिर उससे बाहर निकलने के लिए क्या किया, कोई और प्रोजेक्ट मिला मेरे पास ज्यादा? हाँ फिर पता था कि यू नो काम तो करना ही, नहीं तो रेंट कोई भरने नहीं आने वाला है। सो आई स्टार्टेड गिविंग ऑडिशंस, फिर से काम करना स्टार्ट किया। और यू नो अब क्या करियर चॉइसेस चारू के लिए अलग होने वाले हैं बिकॉज शी हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ हर? अगेन बात तो वही है, फाइनेंशियल इश्यूज हैं लाइफ में, तो जब तक मैनेज हो रहा है मैं अपनी पसंद का काम करना चाहती हूँ, जब नहीं होगा तो फिर जो आ रहा है वो कर लूंगी। बट आपके कुछ पर्सनल रिजर्वेशंस हैं व्हेन इट कम्स टू ओटीटी या फिल्म्स, क्योंकि ओटीटी में भी एक अलग तरीके का यू नो काम होता है जहाँ पे यू नीड टू एक्सपोज, यू नीड टू डू लव मेकिंग सीन्स या वायलेंस है, गाली गलौज है, आर यू ओपन टू देम? सीन का डिमांड है तो जिस मेरे भी एक लिमिट्स हैं तो उस लिमिट तक कर सकती हूँ, जब जहाँ मैं अनकम्फर्टेबल रहूँगी वो मैं नहीं करूँगी। तो वो अब क्या सीन है, क्या यू नो क्या सीरीज है, उस पर डिपेंड कौन बना रहा है, कौन बना रहा है, किसके साथ कर रही हूँ, ऑब्वियसली दैट मैटर्स। या यू नो जैसे हम अभी बात कर रहे हैं लाइफ के बारे में, चैलेंजिंग फेज आपका अब तक का सबसे कौन सा रहा है चारू, अगर करियर की बात करूँ मैं, जहाँ पे यू फेल्ट यू नो शायद मेरा कुछ नहीं होगा एंड आई हैव टू गो बैक, ऐसा कभी मोड़ आया? हाँ, तो मैंने आपको बोला ना कि बीच में काफ़ी टाइम के लिए मैं खाली बैठी थी, और तो उस टाइम पे कई बार डाउट्स आते थे कि यू नो अब कल क्या, फिर से ऑडिशन पे जाना है, यू नो नथिंग इज़ हैपनिंग, सब जगह शॉर्टलिस्ट होती हूँ फिर आगे कुछ नहीं हो पा रहा है, तो फिर वो डाउट्स आते हैं। बट देन वो एक जुनून था कि काम तो करना है मुझे, एक्ट्रेस तो मुझे बनना ही है, यू नो इट वॉज माई पैशन शुरू से जी। So, वो आपने छोड़ा? मैं धूप में भी ऐसे गंदे धूप में जब काम कर रही होती थी ना तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैं करना चाहती हूँ, किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया है तो फिर मैं क्रिप क्यों करूँ जी। सो ये हमेशा था मेरे साथ। राइट, थैंक यू सो मच चारू फॉर टॉकिंग टू अस, आपने अपना इतना कीमती टाइम हमें दिया, थैंक यू सो मच फॉर इट, एंड इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। सेम हियर, थैंक यू। थैंक यू।